हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्लिक फायर गेमिंग के कौन न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला है उसका हम ड्रीम इलेवन का टीम देखेंगे। साथ में आपको विवेक का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर करने पर 100 रुपये का आपको रिवार्ड मिलेगा। और साथ में आपको ऐसे की प्लेयर्स बताऊँगा जिन्हें आप अगर जो अपनी टीम में लेकर चलते हैं तो आप स्मॉल लीग तो आराम से जीत जाएंगे, मेगा और मिनी लीग भी आराम से जीतने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। और साथ में आपको बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है उसका भी मैं ड्रीम टीम बताऊंगा। तो उसका मैं ये पूरा प्रोफाइल नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको ड्रीम इलेवन पर टीम बता दूंगा उसका। और इसका देख लीजिए, सबसे पहले अब आ जाते हैं श्रीलंका की तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन है उसको देख लेते हैं। कुशल मेंडिस, पतुम निशंका, कुशल परेरा, चरिता सलंका, कमेंडू मेंडिस और नुवान तुसारा, वानेंदु हर्षरंगा, सी विक्रमा सिंघे और महेश तिक्षणा, मत्स्यपति राणा और दुनित वेलालगे। ये तो हो गई श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन। न्यूजीलैंड का प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं। मिचल है, मिचल सैंटनर, विलियम, हैरी निकोलस और ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, इस सोडी, माइकल ब्रेसवेल, लोकी फर्गूसन, जैकब डफी और डियन फॉक्स क्रॉफ्ट। ये हो गई न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन। अब आ जाते हैं अपना वेन्यू देख लेते हैं। तो ये रनगिरी डेम्बुला में ये मैच होने वाला है। यहाँ एवरेज इनिंग का स्कोर 180 है। पेसर्स को यहाँ पे 25 विकेट और स्पिनर्स को यहाँ पे 30 विकेट मिले हैं। और श्रीलंका में हो रहा था स्पिनर फ्रेंडली पिच होगी, आपको पता ही है स्पिनर्स यहाँ पे गेम में आएंगे ही आएंगे, तो वो भी अपने दिमाग में ध्यान रख कर चलिएगा। अब आ जाते हैं अपना जो श्रीलंका की तरफ से जो वॉच आउट प्लेयर है उसको देख लेते हैं। पथुम निशंका, यहाँ के लिए अच्छी पिक्स होने वाले पथुम निशंका और चरिता श्रीलंका, दोनों भी अच्छी पिक्स होने वाले। चरिता श्रीलंका जब से कैप्टन बने खुद बॉलिंग करने आ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी अच्छी पिक्स होने वाले। कमेंडू मेंडिस आज के मैच के लिए काफ़ी अच्छी पिक्स होने वाले। वानेंदु हर्षरंगा भी अच्छी पिक्स है, यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों से ऑप्शन रहेगा और स्पिनर्स को यहाँ पे ज़्यादा मदद है, तो वानेंदु हर्षरंगा आपके लिए कैप्टनसी के लिए काफ़ी अच्छी पिक्स हैं। महेश तिक्षणा भी आज के मैच में अच्छी पिक्स होने वाले हैं, ये भी इनको सरफेस काफ़ी अच्छा सूट करता है यहाँ का, तो ये भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं आपके लिए। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो वॉच आउट प्लेयर है उनको देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन, भाई बंदा सॉलिड खेलता है, इसको अपनी टीम में लेके चलिएगा। स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, इसको अपनी टीम में लेके चलिएगा अगर जो ये खेलते हैं तो। नहीं खेलते हैं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं खेलते तो इनके जगह पर माइकल ब्रेसवेल हैं, वो अगर जो खेलेंगे तो उनको भी अपनी टीम में लेके चलिए। काफ़ी अच्छा बंदा खेलता है, काफ़ी अच्छा पावर हिटिंग है उसका, उसको भी अपनी टीम में लेके चलिएगा जो वो खेलते हैं। मिचल सेंटर आज की मैच का सबसे अच्छा पिक्स होने वाला है। ग्लेन फिलिप्स अच्छी पिक्स होने वाला है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको बोलिए काफ़ी अच्छी बैकअप हो रहेगी। इस सोडी भी अच्छी पिक्स होने वाला है, चाहे तो आप लोग फर्गूसन भी लेके चल सकते हैं, वो भी शुरुआत में विकेट मारने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये तो हो गए न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन और ये वॉच आउट प्लेयर। अब ड्रीम इलेवन पर आने से पहले आपसे गिबे का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो गिबे का क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक फैंटसी पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा, उसका आपको नाम गेस करना है। आपको 600 रुपये का रिवार्ड मिलेगा अगर जो आप सही नाम गेस करते हैं तो। और आपको गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बाकी कुछ और नहीं करना है। तो अब आ जाते हैं ड्रीम इलेवन पर, और ड्रीम इलेवन पर अगर हम अपना टीम बना लेते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम कुशल मेंडिस को लेकर चलेंगे, बाकी यहाँ से कोई उतना अच्छा पिक्स है ही नहीं यहाँ। तो बैटिंग सेक्शन से पथुम निशंका, ग्लेन फिलिप्स, चरिता श्रीलंका और मार्क चैपमैन, ये तो हो गई बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन से हम मिचल सेंटनर को लेकर चलेंगे, वानेंदु हर्षरंगा को लेकर चलेंगे, कमेंडू मेंडिस को लेकर चलेंगे, दुनित वेलालगे भी अच्छी पिक्स है, और जो माइकल ब्रेसवेल खेलेंगे तो माइकल ब्रेसवेल को मैं लेकर चलूंगा, यहाँ से किसी एक को ड्रॉप कर दूंगा, तो ये भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं। अब बॉलिंग सेक्शन से हम यहाँ से इस सोडी को लेकर चलेंगे, महेश तिक्षणा को लेकर चलेंगे, ये भी ठीक है, मत्स्यपति राणा आप चाहे तो ले चल सकते हैं, और जो लॉकी फर्गूसन भी अच्छी पिक्स है, चाहे तो लेकर चल सकते हैं। तो इसको हमें कुशल मेंडिस को हो सकता है, कमेंडू मेंडिस को ड्रॉप करके, कमेंडू मेंडिस नहीं ड्रॉप करूंगा यार, स्पिनर फ्रेंडली पिच है तो यहाँ पे अच्छी पिक्स होने वाले। कमेंडू मेंडिस को ड्रॉप करके मैं माइकल ब्रेसवेल के साथ जा सकता हूँ, लेकिन इधर कोई फास्ट बॉलर मैं नहीं खिलाऊंगा। तो ये तो हो गई हमारी टीम। कैप्टन मैं करूंगा आज के मैच के लिए वानेंदु हर्षरंगा को, वाइस कैप्टन मैं करूंगा यहाँ पे मिचल सेंटनर या चरिता श्रीलंका को। चरिता श्रीलंका को वाइस कैप्टन में कर रहा हूँ क्योंकि वो बॉलिंग भी कराने आ जा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी पूरी टीम, एक बार देख लीजिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से कमेंडू मेंडिस, बैटिंग सेक्शन से मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, चरिता श्रीलंका, पथुम निशंका, ऑलराउंडर सेक्शन से माइकल ब्रेसवेल, मिचल सेंटनर, वानेंदु हर्षरंगा, दुनित वेलालगे, और बॉलिंग सेक्शन से इस सोडी, महेश तिक्षणा। कैप्टन होंगे वानेंदु हर्षरंगा और वाइस कैप्टन होंगे चरिता श्रीलंका। ये तो हो गई हमारी टीम। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपना बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो मैच है उसको हम देख लेते हैं, तो उसका टीम देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से सबसे पहले मैं विकेट कीपिंग सेशन से रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकर चलेंगे, बैटिंग सेशन से नजमुल हसन सांतो, हजमतुल्ला सहीदी, ये दोनों अच्छी पिक्स होने वाले हैं।
इन दोनों को लेकर चलना है, दूसरा कोई अभी उतना अच्छा है नहीं तो इसको नहीं लेकर चलना है। ऑलराउंडर सेक्शन से मेहदी हसन मिराज, उजबतुल्ला उमर जाई और मोहम्मद नबी, सौम्य सरकार, गुलबदीन नाइब, ये भी सौम्य सरकार भी अच्छी पिक्सन चाहे तो लेकर चल सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से राशिद खान, मुस्तफिजुर रहमान, फजल अक फारूकी, तस्कीन अहमद, नूर अहमद, अला गजनफर भी अच्छी पिक्स है तो अला गजनफर को भी लेके चलना है। सौम्य सरकार को ड्रॉप करके मैं यहाँ से अला गजनफर को लेके चल रहा हूँ। और मैं कैप्टन में करूँगा यहाँ पे अजमतुल्ला उमरजाई को, वाइस कैप्टन में करूँगा रहमानुल्ला गुरबाज को। रहमानुल्ला गुरबाज को ना करके किसी और को भी कर सकते हैं आप, चाहे आपकी मर्जी। तो आप चाहे तो इसके साथ भी जा सकते हैं, मेहदी हसन मिराज या फिर अला गजनफर या राशिद खान को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो अब ये पूरा एक बार टीम देख लीजिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रहमानुल्ला गुरबाज, बैटिंग सेक्शन से अजमतुल्ला सईदी, नजमल हसन सांतो, ऑलराउंडर सेक्शन से मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमर जाई, मेहदी हसन मिराज, बॉलिंग सेक्शन से तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, राशिद खान, फजल अक फारूकी, अला गजनफर। ये तो गई हमारी टीम। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।